नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो है कि अपने पति की लाडली पत्नी कैसे बने। ऐसे तो मैं पति पत्नी के लिए कई वीडियोज बना चुकी हूँ, पति के दिल की रानी कैसे बने, हम अपने पति की लाडली पत्नी वाइफ कैसे बने, तो इसके लिए मैं आपके साथ 8 टिप्स शेयर करूंगी, नियम थोड़ा सा बताऊंगी, आप करके देखिएगा कहीं उससे आपको लाभ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो, जिससे मेरे वीडियोज के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो 8 टिप्स क्या है लाडली बनने के लिए। तो सबसे पहली बात, थोड़ा मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि देखिए, लाडली बनने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जानू बाबू सोना मोना बोलेंगे तो हम लाडली बन जाएंगे। थोड़ा उनके हिसाब से हमें हर कार्य करना पड़ता है, बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। तो पत्नी का जो जगह है वो बहुत महान उसको माना गया है, घर के हर कार्य के लिए उसको बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानू सोना मोना हम बोल देंगे तो हम लाडली बन जाएंगे, बहुत कुछ बलिदान देना पड़ता है पति को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन शादी के बाद पति पत्नियों के भाग्य से भी बढ़ने लगते हैं, उनके अच्छे कर्म से, पूजा पाठ की वजह से। तो इसीलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। पॉइंट्स कौन से हैं लाडली बनने के लिए, तो सबसे पहला जो टिप्स है, नियम है कि देखिए, पति के सामने सबसे पहली बात है कि प्यार तो अपनी जगह है ही, प्यार से तो रहना ही है, लेकिन ईमानदारी, ईमानदार रहिए। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ईमानदार रहेंगे तो अगर एक बार आपके पति आपको पहचान गए कि आप बहुत ईमानदार हैं, तो आप बीच में अगर कुछ इधर उधर उनके पॉकेट से निकाल भी लेती हैं तो भी उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर शादी के तुरंत बाद ही आप ईमानदारी के स्थान पे आप खड़े नहीं उतरे, तो वो पति अगर बाद में आप अच्छी भी हो जाइएगा तो उस पति का जो है ना, आपके ऊपर से विश्वास उठ जाता है। तो अपने विश्वास को मत ख़त्म होने दीजिए। आपको सबसे पहली बात है कि ईमानदार रहना है, क्योंकि मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको कि कई पत्नियों के, सभी तो नहीं, कई पत्नियां हैं कि जैसे पति बाहर से कहीं से आए हैं, मार्केट से आए हैं, और अपना फुल पैंट ट्राउज़र वगैरह कहीं हैंग करके रख देते हैं। तो अगर कई सारी पत्नियां दुखी रहती हैं कि पति हमारे पैसा हमें नहीं देते हैं, तो ताक जाक में रहती हैं कि कब पति हमारे ट्राउज़र लटकाएंगे, फुल पैंट को लटका के रखेंगे कि मैं उसमें से पैसा निकाल लूँगी। कि पति का ट्राउज़र लटका नहीं, कि उसमें से ना 100, 50, 500 जितना उनको मन होता है निकाल लेती हैं। तो ये सब आदतें छोड़ दीजिए। देखिए, नहीं देते हैं पति वो अलग बात है, लेकिन ईमानदारी बहुत बड़ा चीज़ है। चोरी से निकाल लेना भी अच्छी बात नहीं है। ये सब आदतें आप छोड़ दीजिए। आप लोग बोलेंगे कि क्यों नहीं निकाले, जब पति देते नहीं है तो हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम ले लेते हैं। तो नहीं, पति से कैसे भी करके आप थोड़ा सा उनसे बोल करके, बात करके मांग लीजिए, लेकिन निकालिए मत। क्योंकि निकालने से क्या नुकसान होता है कि देखिए, जो पति हैं वो तो सोचते हैं कि हमारे पर्स में इतना रुपया है, जैसे कि 100 रुपीज़ मैं रखा था तो होगा ही। और मान लीजिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ या मार्केट में कोई चीज़ खरीद लिए हैं, या फ्रेंड के साथ कुछ साथ में खा रहे हैं, और वहाँ जब वो अपने जेब को, पॉकेट को चेक करते हैं पैसा देने के समय, और वो पैसा अगर आप निकाल ली रहती हैं तो वो पति का वहाँ इंसल्ट होता है। या कोई चीज़ वो दुकान से खरीद लिए हैं मान लीजिए, और वहाँ जब पैसा देने की नौबत आती है तो पैसा तो जेब में है ही नहीं। तो इस बात को लेके पति और अधिक गुस्से में आ जाते हैं, और आकर घर में फिर आपको उल्टे सीधे बातें सुनाने लगते हैं। तो इसीलिए पति के नज़र में सबसे पहली बात है कि ईमानदार रहिए। आपको ईमानदारी से कार्य करना है, भले वो दे चाहे ना दे, कभी इस तरीके से आप उनके जेब से पैसा ना निकालें कि उनको समाज में लज्जित होना पड़े। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप घर में बनाती हैं, मान लीजिए आपके पति जो हैं घर में नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, या 1-2 घंटे बाद आएंगे, या शाम को आएंगे, और कोई भी डिशेज अगर आप बनाई हैं
तो आपका यही फर्ज बनता है कि पति मान लीजिए घर में नहीं है तो क्या हुआ, उनके लिए थोड़ा सा भी बचाकर एक कटोरी में कहीं भी जो डब्बे में बॉक्स में थोड़ा उनके लिए रख दीजिए, क्योंकि सबको कोई भी चीज़ घर में बनता है तो वो सबके मुख के पास जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो चार आदमी खा लिया और दो आदमी को मिला ही नहीं, तो ये भी अच्छी आदतें नहीं हैं। तो पति के लिए आप संभाल कर जो ही घर में कुछ बना है स्पेशल उनके लिए थोड़ा सा रख दीजिए, और शाम को आएँ रात को आएँ उनको ज़रूर दीजिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। पति लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि देखो मेरी बीवी ने वाइफ ने प्यार से मेरे लिए ये चीज़ रखा हुआ था, तो जब मैं आया तो मुझे परोस कर खिलाई। तो इस तरीके से आप ज़रूर रखिएगा। तीसरा नियम हमारा क्या है, तीसरा नियम है कि मान लीजिए आपके पति कहीं बाहर जा रहे हैं किसी कारणवश, मान लीजिए दो चार दिन के लिए बाहर जा रहे हैं या महीने दो महीने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए हर चीज़ कहने से ही कार्य नहीं होता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, फील करना पड़ता है, तब पति के पसंद और पति के दिल की रानी और पति की लाडली पत्नी बनने का मौका मिलता है। सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कुछ जो प्यार वाली बातें हैं समझदारी वाली बातें हैं समझना पड़ता है, थोड़ा दिल से सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई समझाएगा तभी हमारे माइंड के अंदर जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि कहीं जा रहे हैं तो पैकिंग तो बहुत सारे पति कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप वाइफ ही करके देगी तो पति लेके जाएंगे, लेकिन अगर आप पैकिंग करके देती हैं उनका बनियान हो उनका सेविंग किट हो या उनके ड्रेसेस हो हैंकीज वगैरह सब आप संभाल के अगर जितने दिन के लिए जा रहे हैं उस तरीके से अगर सुंदर से आप पैकिंग करके उनको देती हैं, और जब वो पैकिंग वो होटल में या कहीं जहाँ रुकने वाले हैं वहाँ अगर खोल के देखते हैं और एक एक चीज़ आपने संभाल कर टावेल वगैरह सॉक्स वॉच बेल्ट सब कुछ अगर आप संभाल के दी हैं, खाने के लिए कुछ चिंता से दी हैं, तो वो पति तो मतलब गदगद फूले नहीं समाएंगे। आप करके तो देखिए। तो आप इस तरीके से अपने पति के लिए अगर बाहर जाते हैं तो पैकिंग बहुत प्यार से उनके लिए एक एक चीज़ का आपको ध्यान देकर पैकिंग करनी चाहिए। सुबह उठ के वो क्या खाएंगे, मान लीजिए होटल वगैरह में तो रेस्टोरेंट में चाय वगैरह तो पी ही लेते, फिर भी आपको एक बिस्किट का पैकेट एक मिक्सचर का पैकेट सब पैकिंग में देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप दे सकती हैं। तो पति की लाडली पत्नी बनने के लिए इन सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखनी चाहिए। चौथी बात क्या है कि देखिए हर पति को नहीं पसंद है बहुत अधिक फिजूल खर्ची पत्नियां जो करवाती हैं। ऐसे मैं कई बार ये बात बता चुकी हूँ फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि पति से बहुत अधिक उनके जैसे सैलरी से ऊपर खर्चा मत करवाइए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपके पति 5,000 ही कमाते हैं और आप हैं कि 10,000 की साड़ी पसंद करके बैठी हैं कि जब तक नहीं लाइएगा हम आज तो न खाएंगे न पिएंगे, हम तो मुंह फुला के बैठे रहेंगे, तो ये बहुत गलत है। सबकी भावनाओं की कद्र करिए, उनकी भी चिंता और टेंशन को थोड़ा आप समझिए कि ये हमारे ही पति हैं। ऐसा नहीं है, देखिए पति पत्नी का जो रिश्ता है बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, इसको बोझ नहीं समझना है। पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के लिए फ्रेंड्स भी मिलते हैं, जब शादियां होती है तो ऐसा नहीं बस पति पत्नी तक ही रिश्ता है, वो एक फ्रेंड सर्किल से भी सोचिएगा ना तो बहुत प्यारे फ्रेंड भी बन सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी सुख दुख को आप बांट सकते हैं, दिल की हर बात एक दूसरे को बता सकते हैं अगर उस तरीके से दिल से अगर रिश्ता निभाइएगा तब। लेकिन एक दूसरे को देखकर आप जीलस रहिएगा गुस्सा करिएगा अच्छा व्यवहार नहीं करिएगा तब तो बोझ सा लगेगा ज़िंदगी, लेकिन प्यार से रह कर देखिए ज़िंदगी बहुत प्यारी लगेगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे भी पति पत्नी रह सकते हैं क्या। तो फिजूल खर्ची मत करवाइए, थोड़ा सा ऐसा आप मतलब खर्च करवाइए कि सोच लीजिए कि हमारे पति को किसी से कर्ज ना लेना पड़े। ऐसा ना हो कि मंथली मंथ कंप्लीट होते होते हमारे पति को किसी के सामने हाथ पस फैलाना पड़े कि हमें इतना पैसा चाहिए हमारा सैलरी ख़त्म हो गया, तो वो सोच समझ के आप खर्च करवाइए। अगर जहाँ चलने लायक है आपको चलानी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि ये चीज़ आप खरीद के देंगे तभी हम खुश रहेंगे। ऐसी एक कहावत कही गई है कि अगर हम खर्चे को लिमिट में ध्यान से अगर खर्च ना करें तो हांडी पर कभी ढक्कन नहीं लग सकता। जिस घर में तरीके से खर्च नहीं किया जाएगा उस घर में कभी भी हांडी के ऊपर ढक्कन नहीं लग सकता।
इसका मतलब क्या हुआ कि हांडी कभी भरेगा ही नहीं, तो ढक्कन कैसे लगाएंगे, खाली ही रहेगा। तो इसलिए जड़ को मजबूत रखिए, पैसा बहुत काम में आएगा। फिजूल खर्ची से बचिए। खर्चे का मतलब ये नहीं है कि कंजूसी करना है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं, लेकिन अभी ज़माना वैसा नहीं है, तो ये सब चीज़ें मत करवाइए, हर पति को नहीं पसंद है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम हमारा क्या है कि देखिए, पति के हर पसंद नापसंद की ख्याल आप ही को रखना चाहिए। कौन रखेगा, पत्नी को छोड़ के उनके ख्याल कौन रखेगा, उनके पसंद और नापसंद का, उनकी हर छोटी छोटी खुशियों का ख्याल कौन रखेगा, कौन सेलिब्रेट करेगा, उनके बर्थडे पर गिफ्ट कौन देगा। बाहरी तो दें, घर परिवार वाले दें तो देने दीजिए, वो तो अलग बात है, लेकिन पत्नी का भी कहीं फ्रेंड के रूप में हर जगह खड़ा रहना चाहिए। हर चीज़ों का आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए और पतियों को भी देना चाहिए। क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ पत्नियों के लिए ही बताती हैं, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, पतियों को भी। जितनी पत्नियां आपके हर छोटी छोटी पसंद और नापसंद का ध्यान रख रही हैं, आपको भी रखना चाहिए। देखिए ना, घर स्वर्ग बन जाएगा। पहले करके तो देखिए कौन सी बातें उनको पसंद है, किस तरीके की बातें उनको पसंद नहीं है। उनके सामने हमेशा किसी की चुगली मत करिए। देखिए, बार बार लोगों की बुराई करना भी बहुत बड़ा पाप है। बुराई सुनना और बुराई करना दोनों बहुत बड़ा पाप है, अगर कोई इसको समझे तब। तो पति के सामने हमेशा फैमिली परिवार वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार वालों का बुराई मत करिए। उनसे भी उनका दिमाग जो है हमेशा मतलब टेंशन वाला हो जाता है। तो ये सब आदतें मत करिए, खुशनुमा माहौल रखिए। ये हो गया हमारा पाँचवा नियम। और हमारा जो छठा नियम है वो क्या है कि देखिए, आपको खाना बनाना, देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हर आदमी को खाना बनाना, भोजन बनाना आता ही हो, क्योंकि लड़कियाँ पढ़ाई लिखाई में आजकल बहुत अधिक बिजी व्यस्त रहती हैं, बिजी रहती हैं, तो वो किचन के कार्य नहीं सीख पाती हैं, रसोई के हर कार्य। ऐसा नहीं है कि सबको आता ही हो, बहुत सारे लोग हैं कि दोनों चीज़ में अव्वल रहते हैं, वो स्टडी में भी बहुत अच्छे रहते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं, और रसोई के भी कार्य में बहुत अधिक स्मार्ट रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आपको नहीं आता है खाना बनाना, तो आप सीख लीजिए। अपने पति के पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे डिश थोड़ा सीख लेने चाहिए, क्योंकि पतियों का आपको मालूम ही है ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। तो थोड़ा सा उनके लिए अच्छे अच्छे अगर भोजन भी बना कर हम वीक में अगर दो बार भी दे दें तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो आजकल सभी सिंपल साधारण भोजन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां भी अटैक करने लग रही हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो वीकली भी कुछ अच्छे डिशेज उनके लिए बना कर उनको खुश कर सकते हैं, सरप्राइज दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। सातवां नियम हमारा क्या है कि पति के ड्रेस का भी हमें ख्याल रखनी चाहिए। कि मान लीजिए बाहर ही जा रहे हैं, फ्रेंड्स से मिलने ही जा रहे हैं, या कहीं मार्केट ही छोटे मोटे जगह पे ही जा रहे हैं, तो कहीं जाएं स्मार्ट लुक में जाएं। ऐसे तैसे घर के ड्रेस में ही ऐसा ना हो कि कुछ भी पहन लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। वो सब पत्नी का कर्तव्य होता है कि हमारे पति हर जगह स्मार्ट दिखे, वो घर में हो या किसी समाज में हो या फ्रेंड के साथ हो। थोड़ी ही दूरी पे जा रहे हैं तो क्या हुआ, कहीं भी उनको स्मार्ट दिखना चाहिए। तो उसके लिए जैसे बाहर जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि नज़दीकी तो जाना है, कुछ भी डाल लो, ऐसी बात नहीं है। देखिए, वहाँ कोई मिल जाएगा, जैसे आपका दूर का रिलेटिव मिल गया, कोई गेस्ट मिल गया, या कोई उनके ऑफिस का मिल गया, तो वो ये नहीं सोचेंगे कि ये घर से सोच के निकले थे कि थोड़ी दूर तो जाना है। तो इसलिए कभी भी घर से जाइए तो अच्छे से तैयार होकर जाइए। कौन बाहर आपसे मिल सकता है, मिल जाएगा, आपको नहीं पता है, तो ये सोच कर मत निकलिए कि अरे यही तो जाना है, कुछ भी पहन लेते हैं, ओल्ड पहन लेते हैं, रिंकल्स वाले ड्रेस पहन लेते हैं, टी शर्ट वगैरह डाल के, अभी तो यहीं से तो आ रहे हैं। ऐसी सोच लेकर बाहर मत जाइए। कौन बाहर वैसा आदमी आपको मिल जाएगा जहां आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, और लोग ये नहीं सोचेगा कि ये ऐसे डाल के चले आए हैं, ऐसा ड्रेस पहन के चले, लोग सोचेगा देखो कैसी वाइफ है, केयर नहीं करती है, अच्छे से हस्बैंड का ध्यान नहीं रखती है, ड्रेस आयरन नहीं करके देती है। तो थोड़ा सा आपको उनके ड्रेस का भी केयर करना चाहिए, भले ही घर का ही ड्रेस क्यों ना हो। ज़्यादा ओल्ड वगैरह ड्रेस भी हस्बैंड को पहनने के लिए मत दीजिए, जैसे बनियान वगैरह, अंडर गारमेंट्स उनका बहुत ओल्ड हो जाए, वो सब मत पहनाइए, वो सब हटा दीजिए और उनको ठीक ठाक सा ड्रेस घर में भी दीजिए।
घर का ही टी शर्ट है तो क्या हुआ, उसको भी आयरन करके उनको थोड़ा सा देना चाहिए आप। और जो हमारा लास्ट नियम है, आठवां नियम, वो क्या है कि देखिए, पति से खिलाफ होकर हमें कोई भी कार्य नहीं करनी चाहिए। आप एक बार आजमा के देखिएगा अपने घर में, अगर आपको मेरे बातों पे विश्वास नहीं होगा तो ज़रूर एक बार आजमा के देखिएगा कि अगर हम पति की बात काट कर अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या कुछ कार्य करते हैं, उसमें आपको बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी। एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो अपने पति की बात को मानना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। उनके बातों के खिलाफ होकर हमें आगे नहीं बढ़नी है। उसके लिए कोई कुछ भी बोले, कभी हमको उनकी बातों को काटकर आगे नहीं बढ़नी है। बहुत चीज़ों का, बहुत बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है लाडली बनने के लिए, प्यारी पत्नी बनने के लिए, समझदार बनने के लिए और दिल की रानी बनने के लिए। तो यहीं तक का था आज हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी महिलाएं हैं और जितनी लड़कियां हैं जिनकी शादी होने वाली है, तो मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने रिश्ते को बचा कर रखिए।